हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सरन और आप देख रहे हैं ऑफिशियल टेकिंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक बहुत ही खास होने वाली है, खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो वेबसाइट में काम करते हैं उन्हीं लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका जो वेबसाइट है या तो आपके जो यूट्यूब अकाउंट है उसमें जो गूगल एनालिटिक्स जो आईडी होते हैं वो किस प्रकार के आप जनरेट करेंगे और कैसे ऐड करेंगे। आज इस वीडियो में आपको पूरी तरह जानकारी बताऊंगा, ठीक है। इसीलिए शुरू से लेकर ये वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। और साथ में मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब तक आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी भी वो भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फिलहाल हम डैशबोर्ड पे हैं, हमें क्या करना है इस वीडियो में, तो हमें करना है गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन करना है, एक अकाउंट जेनरेट करना है और उसके बाद वहां का आईडी जो है हमें यहां पे ऐड करना होगा। अब देखिए कहां ऐड करना है, एडवांस पे जाएंगे या यूट्यूब में चैनल पे, जैसे एडवांस में जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, यहां नीचे देखिए गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी ट्रैकिंग आईडी यहां ऐड करना होगा। तो ये बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है, यहां सबके लिए जरूरी होता है। कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो गूगल ट्रैकिंग आईडी देना बहुत जरूरी होता है, चाहे YouTube हो, वेबसाइट हो या तो एप्स हो, सबके लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसमें इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल एनालिटिक्स आईडी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ, एक क्रिएट कर लेता हूँ गूगल एनालिटिक्स पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें लॉग इन करने के लिए गूगल ट्रैकिंग आईडी हमें वही वाला ईमेल देना पड़ेगा जो हमें यूट्यूब चैनल पे है, ये वाला इन्फो उषा मेरा। तो यहाँ पे मैं वो वाला चेक कर लेता हूँ, तो यहां देखिए इसको मैं क्लिक कर लेता हूं यहां से। इसके बाद पासवर्ड टाइप करते हैं, तो यहां ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, अब इसमें पूरी करना पड़ेंगे हमें। तो यहां देखिए गूगल एनालिटिक्स पे लॉगिन साइन अप के ऑप्शन में क्लिक करना होगा आपको। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आप इसमें क्या कह रहा है, अकाउंट डिटेल्स देना पड़ेगा, अकाउंट रिक्वायर, ठीक है, आपका अकाउंट का नाम देने के लिए बोल रहा है। मैं इसमें क्या दे दूंगा, यहाँ मेरा चैनल का नाम जो है ऑफिशियल टेक कियांग दे देता हूँ। तो इसमें मैंने टाइप कर दिया, उसके बाद नीचे जाइएगा, यहां नेक्स्ट केयर बटन में क्लिक कर देंगे आप, ठीक है। जैसे नेक्स्ट केयर बटन में क्लिक कर देंगे, यहां ध्यान से देखिए आप किस में बनाना चाह रहे हैं, वेबसाइट के लिए, एप्स के लिए या नीचे एप्स एंड वेबसाइट के लिए। तो यहां आप यूट्यूब के लिए दे रहे थे, यहां पे क्लिक कर देंगे वेबसाइट वाला, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट के बटन में क्लिक कर देते हैं। आप देखिए वेबसाइट ने मेन पूरा देने के लिए बोल रहा है, आपका वेबसाइट का नाम हम दे देते हैं तो यहां ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां आपका यूआरएल देना होगा वेबसाइट का। तो यहां से मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, मेरा यूआरएल कॉपी कर लेता हूं, यहां से मैंने कॉपी कर लिया, तो यहां पेस्ट कर देना होगा, यहां पेस्ट कर देते हैं, यहां पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ ऑलरेडी HTTP है, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से HTTPS सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, आप देखिए यहाँ से आपको कट करना होगा HTTPS, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, WW से ही शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इधर है। इसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी इंडस्ट्री, आप किस कैटेगरी में है कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें अदर्स में क्लिक कर देता हूं, उसे अपना जो है यहां से अपना कंट्री सेलेक्ट करना होगा, कंट्री ध्यान से देखिए इंडिया सेलेक्ट करना होगा, इंडिया से, इंडिया कोई भी कहां जहां से वहां से, मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे सेलेक्ट कर लिया, अपना टाइम जोन यहां पे ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ क्रिएट के ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। जैसे क्रिएट का ऑप्शन में क्लिक कर दिया दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिए फिर से हमें यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करना होगा। तो इंडिया मैंने सेलेक्ट कर दिया,
यहाँ दिया देखिए, ये इसको चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं ठीक है, या इस, तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट के ऑप्शन में आया कि आप एक्सेप्ट क्लिक कर दीजिए या एक्सेप्ट कर लीजिएगा ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आई एक्सेप्ट के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना पड़ेगा नीचे। तो देखिए यहाँ देख सकते हैं इसको नो। अब देखिए आपका ट्रैकिंग आईडी यहाँ आ गया, आप तो यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ ट्रैकिंग आईडी देख सकते हैं, अब इसको क्या करना है आपको यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ नीचे देखते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ सेव के ऑप्शन में सेव कर देंगे, अब अपना काम कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप भी कर लीजिएगा दोस्तों, कोई भी वेबसाइट एप्स डेवलपर है तो, या तो वेबसाइट में काम करता है, यूट्यूब में काम करता है, इसी तरह आप जरूर बना लीजिए। तो जैसे कि दोस्त तो आप लोगों ने देखा कि आप अपने गूगल एनालिटिक्स आईडी कैसे जनरेट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, तो इस वीडियो के जरिए आप इस माध्यम से आप लोगों ने देखा है, तो बहुत ही आसान है। तो ये एक प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं दोस्तों, इस प्रकार का गूगल एनालिटिक्स आईडी कोई भी आप एप्स के लिए यूज़ करते हैं, या तो आप अपने वेबसाइट के लिए यूज़ होते हैं, या तो आप अपने यूट्यूब के लिए होते हैं, ये चीज़ों के लिए गूगल एनालिटिक्स आईडी बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। इसलिए सबको करना ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जो ऑनलाइन जो काम करते हैं, जो वेबसाइट के लिए काम करते हैं, यूट्यूब के लिए काम करते हैं, ऐप जो क्रिएटर होते हैं ठीक है, ऐप डेवलपर्स होते हैं, उन लोग सबके लिए होते हैं ठीक है। तो इसी प्रकार ये करना चाहिए। तो उम्मीद करता दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा।